नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में बात करेंगे बीजेपी की, बात करेंगे बंगाल में बीजेपी की क्या है रणनीति, ममता के गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी ने कैसी रणनीति तैयार की है, किस किस मुद्दे पर बीजेपी किन किन मुद्दों को उठाकर ममता के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, क्या चंद्रशेखर राव के गढ़ हैदराबाद में सेंधमारी कर बीजेपी अब बंगाल जीत लेगी। हम बात करेंगे ओवैसी की, बिहार के सीमांचल में आरजेडी के गढ़ में घुसकर 5 सीटें जीतने वाली AIIMIM ममता के गढ़ में झंडा गाड़ पाएगी। इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पहले बिहार में बेहतरीन प्रदर्शन, अब हैदराबाद में चंद्रशेखर राव के गढ़ में बेहतरीन प्रदर्शन। शानदार जीत के बाद अब बीजेपी ने बंगाल विजय की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी बंगाल में किसी भी कीमत पर विजय पताका फहराना चाहती है। हैदराबाद चुनाव में किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी 4 से 48 सीटें जीतकर टीआरएस के किले को हिला देगी। अब अगले साल की शुरुआत में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा टेस्ट है, इसीलिए बड़े टेस्ट के लिए बड़ी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल का चुनाव इसीलिए और दिलचस्प हो गया है कि 2019 में लोकसभा की बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर बता दिया था कि अब बंगाल जीतना टीएमसी के लिए आसान नहीं है। नंदीग्राम आंदोलन, सिंगूर जैसे मामलों से माँ, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी ने आंदोलन के रास्ते सत्ता हासिल की थी। अब बीजेपी महापुरुषों के नाम पर हिंसा को हथियार बनाकर ममता के इस नारे को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर ममता के खिलाफ मजबूत दीवार बनाने की कोशिश की। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी भ्रष्टाचार, हिंसा, टोला टैक्स, घुसपैठ और हिंदू मान्यताओं से जुड़े मसलों को सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी में है। बीजेपी की लगभग सभी रैलियों में ममता सरकार को इन 5 मुद्दों पर सबसे ज्यादा घेरने और हमलावर रहने की योजना बनाई गई। बीजेपी का मानना है कि आंदोलन के रास्ते सत्ता तक पहुंचने वाली ममता बनर्जी चुनाव जीतने में तो कामयाब रही है, लेकिन बंगाल का दिल नहीं जीत पाई। बीजेपी तो ममता को मात देने की तैयारी कर रही है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं के बल पर बिहार में तेजस्वी को सत्ता से दूर रखने वाले ओवैसी अब पश्चिम बंगाल में ममता के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं। अगर ओवैसी ममता के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाके में उम्मीदवार उतारकर ममता के वोट बैंक में सेंधमारी करते हैं तो बीजेपी के लिए बंगाल जीतने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। अब सवाल है कि क्या ममता अकेले बीजेपी, ओवैसी, वाम दलों को सियासी महाभारत में मात देगी? क्या ममता बीजेपी विरोधी पार्टियों को एक कर बीजेपी के बढ़ते कदम को बंगाल में रोक लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में बात दरअसल बीजेपी की होगी, क्योंकि बीजेपी अब जिस तरह से आगे की रणनीति बना रही है, बीजेपी ने बिहार में फतह हासिल की और फतह हासिल करते हुए जाहिर तौर पर एक बार फिर से जेडीयू के साथ गठबंधन से सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई। उसके बाद जिस तरह से हैदराबाद में हमने देखा बीजेपी की किस तरह से रणनीति रही और किस तरह से 4 से सीधे वो 40 के आंकड़े को पार कर गई, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है क्या पश्चिम बंगाल को जीतने में, क्या फतेह हासिल करने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी, क्या ममता के गढ़ में बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि लगातार बीजेपी वहां पर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, जहां एक बार फिर से अमित शाह के दौरे हो रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भी लगातार दौरे हो रहे हैं, एक कमेटी का गठन भी कर दिया जाता है जो कि बहुत बारीकी से नजर रखती है। सवाल इस बात को लेकर है ये बीजेपी के लिए कितनी चुनौती भरी बात होगी कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सेंधमारी कर पाए, ममता के गढ़ को हिला पाए, ममता के किले में सेंधमारी कर पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर कैसे बीजेपी की आगे की रणनीति होगी और कैसे उस रणनीति को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी आगे बढ़ रही है। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है जिनसे आपका तारुफ करा देते हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। उपाध्याय साहब बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ राजेश झा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है आपका राजेश।
राजेश जी, और साथ ही हमारे साथ सिद्धार्थ दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि टीएमसी के नेता है, अब टीएमसी के समर्थक है। बहुत स्वागत है आपका सिद्धार्थ जी। लेकिन ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण इस बात को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है। सीधे सबसे पहले रुख कर लेते हैं राजेश जी का। राजेश जी, बीजेपी जाहिर तौर पर क्या कुछ आगे चुनौतियां आने वाली है उसकी तैयारियों में पहले लग जाती है। हमने देखा कि पहले बिहार में जिस तरह से रणनीति को कामयाब बनाया, लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन हुआ और बीजेपी ने अपने आप को साबित किया। उसके बाद कोरोना के मद्देनजर, उसके बाद आप देखा कि हैदराबाद में जिस तरह से चुनाव हुआ, हैदराबाद में जिस तरह से एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए 40 के आंकड़े को बीजेपी पार करने में कामयाब रही। क्या वाकई आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ में सेंधमारी बीजेपी कर पाएगी? नेहा जी, देखिए इस बार जो चुनाव है, बंगाल में जो चुनाव है, बीजेपी को अब कुछ नहीं करना है। अब तो जनता को वहां पे डिसीजन लेना है, और जनता इस मूड में दिखाई दे रही है कि वहां पर दो तिहाई बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना लगभग तय है। अब इसमें कोई संशय की बात ही नहीं उठ रही है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल के अंदर अराजकता दिख रहा है, जिस तरह से वहां पर बीजेपी के नेताओं को हत्या की जा रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता को हत्या किया जा रहा है, आम जनता के ऊपर जिस प्रकार से सरकार ने जो हमलावर हो गई है और बड़े बड़े रैली में बॉम्बार्डिंग कर रही है, तो ऐसे स्थिति में जहां रोजगार ठप है, उद्योग ठप है, चारों तरफ से अराजक माहौल बना हुआ है बंगाल के अंदर, तो ये तो आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि लोकसभा में 42 में से 18 सीट जनता ने बंगाल ऐसे जगह पर दे दिया, तो अब तो आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव है, आप ट्रेंड देख ही रहे हैं, बिहार का देख लिए, हैदराबाद का देख लिए, तो बंगाल में तो एक उत्साह का लहर दौड़ रहा है और इस बार परिवर्तन बंगाल में उत्साह की लहर दौड़ रही है। सिद्धार्थ जी, सवाल इस बात को लेकर है, राजेश जी कह रहे हैं अब तो जनता को जवाब देना है, बीजेपी भले ही अपनी रणनीति बना रही हो लेकिन अब जनता जवाब देने के मूड में ही है और ममता के किले में सेंधमारी जरूर होगी। जनता तो जवाब दिया है ना, आप जैसे बिहार देखा है आपने झारखंड भी देखा है, और एक बात कहता हूँ कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ है मई में, उसमें जनता की जवाब माइनॉरिटी नहीं था तृणमूल कांग्रेस के लिए, मेजॉरिटी था। अगर 18 बीजेपी को मिला है तो 22 तृणमूल को मिला था, 22 18 से ज्यादा होता है। और उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ है, उसके बाद भी वेस्ट बंगाल में बाई इलेक्शन हुआ है, एक भी इलेक्शन दिखा दीजिए जहाँ पे बीजेपी जीता है, हर एक इलेक्शन में बीजेपी हार हुआ है। तो इसको आप जनता की राय नहीं मानते, जो जनता की राय आपके पक्ष में जाता है उसको आप जनता की राय मानते हैं, और जो पक्ष में नहीं जाता है उसको आप नहीं मानते, ये तो ठीक बात नहीं है। जनता हर रोज राय दे रही है, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन से लेके बाई इलेक्शन से लेके बहुत सारे जगह में राय दिया है, बहुत सारे ऐसे टीएमसी लीडर्स थे जो बीजेपी में किया था इलेक्शन के बाद, और 2-3 महीने में वो वापस आ गया है, वो भी दिखाइए, पूरा कहा पूरा चित्र दिखाइए, आप सिर्फ एक ही हिस्सा दिखा रहे। जनता की जो राय है, वेस्ट बंगाल की जो मूड है, उसमें साफ है कि 2021 एक ही नाम है, ममता बनर्जी, बीजेपी। अभी चलिए दोनों तरफ से दावे और वायदों का दौर जारी है, लेकिन आरबी उपाध्याय साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि उपाध्याय जी कैसे आप देखते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, बीजेपी 40.64% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, वहीं टीएमसी 43.69%। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास सर। मैडम मैडम एक मिनट मैडम, बीजेपी को 40 मिल सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि तृणमूल का जो वोट परसेंटेज है वो घटा है, तृणमूल का भी वोट परसेंट इंक्रीज हुआ है, आप देख लीजिए जाके, तृणमूल को 1.5% इंक्रीज हुआ है वोट परसेंट। मैं आपको बता देती हूँ सर, टीएमसी का 43.69% रहा, बता देती हूँ सर, मैं बता देती हूँ, 22 सीटें आपने जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, बीजेपी 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, उनका 40.64% वोट शेयर था, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए हम आपकी बात, लेकिन उपाध्याय साहब का जो वोट शेयर था वो सीपीआईएम का वोट शेयर ऑलमोस्ट 14% वोट शेयर शिफ्ट किया है बीजेपी में,
तृणमूल का कुछ वोट शेयर नहीं गया है, ये ऑपोजिशन कंसोलिडेशन हुआ है, तृणमूल का हार नहीं हुआ था, ये बात समझने का बात है। और ये 2021 में जब इलेक्शन होगा उसमें वो 14% जो सीपीआईएम को बीजेपी को मिला था उसमें से मेजोरिटी सीपीएम को वापस आ जाएगा, क्योंकि सीपीएम इज अ प्लेयर इन स्टेट इलेक्शन बट सीपीएम इज नॉट अ प्लेयर इन नेशनल इलेक्शन, तो वो वापस आ जाएगा। और बीजेपी का जो नंबर ऑफ सीट्स आपको दिख रहा है वो बहुत ही कम हो जाएगा, स्टेट इलेक्शन एंड नेशनल इलेक्शन वो तो वक्त बताएगा सर सिद्धार्थ जी, वो तो वक्त बताएगा, उसका भी इंतजार हमें करना चाहिए। लेकिन लेकिन उपाध्याय जी से सवाल है सर, देखिए मेरे पास और भी गेस्ट है, मुझे सभी को वक्त देना है। सिद्धार्थ जी मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। उपाध्याय जी सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी सिद्धार्थ जी कर रहे थे, करें कि 22 सीटें हमने जीती थी, बीजेपी ने अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती तो उनका मनोबल कितना हाई है इस वक्त, क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में अगर 18 सीटें जीत सकती है तो विधानसभा चुनाव में उसका मनोबल कितना हाई होगा सर? देखिए डेफिनेटली नेहा जी आपने ठीक कहा, और देखिए सिद्धार्थ जी हैं वो एक पार्टी के साथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, और जो भी पार्टी का प्रवक्ता होता है या पार्टी का नेता होता है उसकी अपनी बाध्यताएं होती हैं कि वो उससे आगे नहीं जा सकता या उसके आगे बात नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक सिनेरियो की बात है, देखिए वहां सिनेरियो बदला है, भाई यहां बीजेपी के पास क्या था, वहां पर खोने के लिए कुछ नहीं था, और 2019 के इलेक्शन में 18 सीटें ले आना तो कहीं ना कहीं टीएमसी को भी ये नहीं है। देखिए मीडिया में बोलना एक अलग बात है, ममता जी भी उस बात को समझ रही हैं कि जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा है वहाँ पर बीजेपी का और जिस तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए जो डिफरेंस था बहुत ज़्यादा नहीं है, भी आप कहते हैं कि भाई हमारा नहीं, हमारा 1.5% बढ़ा, आपका तो 1.5% बढ़ा, बीजेपी का कितने परसेंट बढ़ा? बिल्कुल देखिए कैलकुलेट अगर उस तरीके से करेंगे, नहीं सिद्धार्थ जी मैं मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है सिद्धार्थ जी, ना आपसी की पार्टी से कोई लेना देना है ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है, तो देखिए उसको भी कैलकुलेट आपको करना चाहिए। एक तरफ बढ़त इतने परसेंट की है और एक तरफ आप खुश हो रहे हैं कि हमारा भाई 1.5% या 2% वोट बढ़ गया, तो दोनों चीजें देखिए। देखिए एक चीज मैं बता दूं, शायद सिद्धार्थ जी आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, देखिए ध्रुवीकरण पूरे देश में हुआ है, उसमें बंगाल अलग कहां से हो जाएगा? देखिए हिंदू और मुस्लिम दोनों का ध्रुवीकरण हुआ है, बहुत तेजी के साथ हुआ है, और जो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं उनको नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का अपना लाइन और लेंथ क्लियर है, वो ये कहते हैं कि नहीं भाई हिंदुत्व हमारा एजेंडे में है, और वो हिंदुत्व आज एक मुद्दा है, जो पहले बीजेपी का एजेंडा हुआ करता था वो आज की डेट में एक मुद्दा है, और उस मुद्दे से इतर जो भी एक्चुअल में जा रहा है आप देखेंगे उसको नुकसान ही हो रहा है। जो दोनों चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय दल है, लेकिन आप देखेंगे कि वो चाहता है कि भी हिंदुओं को बिल्कुल। ये जो 2019 के सर जो चुनाव के नतीजे निकल के सामने आए थे, ये जो कुछ समीकरण ऐसे बना रहे हैं इसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 122 सीटों पर अब बीजेपी अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बनाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जिस 18 सीटों पर लोकसभा की सीटों पर जीत हासिल की थी उसके अंदर आती हुई 122 सीटें विधानसभा की, वहां पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत स्थिति में है। सिद्धार्थ जी सवाल इस बात को लेकर है, इन सीटों पर अगर बीजेपी मजबूत स्थिति में है तो टीएमसी अपने आप को कहां देखती है सर मौजूदा वक्त में? कौन कहता है मजबूत पे है, वो खुद का पीठ खुद ही थपथपा रहा है, आदमी नहीं कर रहा है, यहाँ का जो जनादेश है, यहाँ का जो बंगाल का जो आवाम है वो नहीं कर रहे, बीजेपी खुद कर रहे है, ये अपने आप को वो गुमराह कर रहे है। जो इलेक्शन के रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा, स्टेट इलेक्शन एंड लोकसभा इलेक्शन एक नहीं है, हमने भारत में बहुत सारे स्टेट में देखा है बीजेपी परास्त हुए है स्टेट इलेक्शन में, मगर लोकसभा इलेक्शन में अच्छा किया है, क्योंकि मुद्दा अलग होता है उसमें, स्टेट इलेक्शन के साथ लोकसभा इलेक्शन को बिल्कुल सर मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जनता का मूड सुनिए, जनता का मूड तो समझ में आता है ना सर। बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 महीने बाद हार गए 40,000 के ऊपर मार्जिन में, 6 महीने में हार गए, कहाँ से आया, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहाँ से आया ये सब? स्टेट इलेक्शन में बीजेपी के पास ममता बनर्जी को काउंटर करने के लिए कोई है नहीं, 6 महीना बाकी है इलेक्शन का, अभी तक कोई लीडर नहीं है बीजेपी के पास, वो खोज रहा है कहीं से कुछ खरीद ले। राजेश जी ऐसा है क्या कि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है क्या प्रेजेंट करने के लिए? कुछ कर नहीं पाया। सिद्धार्थ जी को थोड़ा शांत कर लीजिए नेहा जी, फिर मैं उनको जवाब देता हूँ। सिद्धार्थ भाई
आप पीएमसी के बारे में बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे हैं, मेरे को ये बताइए कि अगर बीजेपी के पास नेता नहीं है तो 18 सीट लोकसभा में कैसे जीत लिए बीजेपी ने? सीट वो दो सीट पे थे हम 2014 में, 2019 में सिद्धार्थ भाई हम 18 सीट पे आए हैं और 10 सीट ऐसा था जहाँ मार्जिन बहुत कम था, वो 10 सीट और जोड़ दे तो हो जाएगा 28 में होता है। तो आप अगर इक्वेशन देखिए तो इस बार क्लीन स्वीप होगा विधानसभा में, क्लीन स्वीप होगा। सिद्धार्थ भाई जरा सुनिए, अरे सिद्धार्थ जी जरा मेरी बात सुनिए, ठीक है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, जिस बात का जिक्र अभी सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है, विधानसभा चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है सर कि जनता का मूड तो कम से कम भाप ही लिया जाता है कि जनता क्या चाहती है और क्या पसंद करती है, कौन सी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती है। बहरहाल इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में बात दरअसल पश्चिम बंगाल की हो रही है, बात भाजपा की हो रही है, क्योंकि भाजपा लगातार मिशन पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए कोशिशों में जुटी हुई है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, उपाध्याय साहब जिस बात का जिक्र अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे सर, बात इस बात पर हो रही है कि 2019 के आधार पर क्या हम ये तय कर सकते हैं कि जनता आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को चुनेगी या फिर प्रायोरिटी पे रखेगी, प्रमुखता से आगे बढ़ाएगी? देखिए वो एक कारण जरूर है नेहा, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि भी आप लोकसभा जीत गए तो वहाँ भी स्टेट इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लेकिन जहाँ तक लोकसभा की बात है, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा थे, उस चेहरे को रख के ही इलेक्शन लड़ा गया था कि भाई ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। और मैं मानता हूँ कि बीजेपी जो एक कमी है कम से कम बंगाल में, वो फैक्ट है कि ममता के सामने ममता के कद का कोई चेहरा वो अभी तक नहीं खड़ा कर पाए, और वो कोशिश जारी रही, उन्होंने भी सोचा कि भी इसी में से टीएमसी में से तोड़ के या इनमें से किसी लीडर को जो अपना एक स्वीकारता रखता है टीएमसी में, उसी को किसी को तोड़ के और बराबर में खड़ा किया जाए। लेकिन देखिए जनता है, जनता उन सब चीज़ों को जानती है, और ममता का अपना एक कद है। देखिए जिस संघर्ष के साथ कम्युनिस्टों को सोचता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि भी कम्युनिस्टों को इस तरीके से वहाँ से सत्ता से बेदखल करके और ममता वहाँ सत्ता में आएंगी। लेकिन देखिए उनका जो अपना एक लड़ाई का एक व्यक्तित्व है, देखिए पर्सनली वो जितना फाइट कर सकती हैं, मैं नहीं समझता हूँ कोई दूसरा लीडर जमीन के ऊपर उतनी फाइट कर सकता है। लेकिन देखिए बीजेपी भी सेंटर, देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो सेंटर से लेके वहां तक और उसका संगठन का ढांचा है, ये आज तो आपको लोकसभा इलेक्शन में नजर आया। इससे पहले बहुत सारी गोष्ठियां आप देखेंगे, बहुत सारा आरएसएस का जो एक कैडर होता है वो वहां बहुत लंबे समय से काम, बीजेपी की ये खासियत भी रही है ना उपाध्याय साहब, हमने इससे पहले देखा हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था सर, जब सरकार बनी तो खट्टर साहब को आगे कर दिया गया कि मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र की बात ही ले लीजिए, देवेंद्र फडणवीस को किसी ने सोचा भी नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो जरूरी ऐसा है क्या किसी चेहरे को आगे बढ़ाते हुए चुनाव लड़ना? देखिए वो एक सुविधाजनक स्थिति रहती है, हाँ, अगर मान लीजिए आप फेस नहीं दे पाते हैं तो आप दिल्ली का इलेक्शन देखेंगे, केजरीवाल भी एक क्वेश्चन मार्क लगता था, केजरीवाल के अपोजिट में कौन है उसके सामने, तो वो देखिए जनता उस पर कुछ परसेंट वोटिंग करती है, हाँ, उसके नकारा नहीं जा सकता कि हम उसे नकार दें कि भी कोई चेहरा नहीं है, तब भी पब्लिक एक वोट करेगी, और वो भी ऐसे स्टेट में। देखिए आप बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में एक फेस टीएमसी का है और वेल नोन फेस है, जनता के बीच में छवि भी कोई ममता की खराब नहीं हो सकती। एक जो नेगेटिव जाता है वो देखिए कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण जाता है, और बीजेपी ने उसको पूरे तरीके से अभी सीएए की बात देखिए विजय वर्गीय ने कहा कि हम सीएए का दोबारा से वो करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो वो चीज़ें कहीं देखिए। और ध्रुवीकरण में इसलिए कह रहा था कि ध्रुवीकरण वाकई में देखिए जहाँ मुस्लिम वोट कर रहा है वो हिंदू सपोर्टर पार्टी के हिंदू को वोट नहीं, तो ये चीज़ें जब हो रही हैं तो वो डे बाई डे बढ़ी हैं,
देखिए 370 हटने के बाद राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व होने के बाद में जो हिंदू है वो और तेजी से ध्रुवीकरण में कहीं ना कहीं आया है, जिसका बेनिफिट बहुत अहम विषय आपने उठाया, क्योंकि देखिए वो दक्षिण बंगाल की का जो एरिया है सर, वहां पर ऐसी 85 सीटें हैं जहां पर अल्पसंख्यक वोटरों की बहुत ज्यादा संख्या है, जहां पर क्या लगता है आपको सिद्धार्थ जी कि अगर ओबीसी चुनाव इन 85 सीटों पर लड़ते हैं तो ममता को कितना नुकसान होगा, जिस बात का जिक्र अभी उपाध्याय जी कर रहे थे? सिद्धार्थ जी चलिए लगता है उनको आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर इन सीटों पर जाहिर तौर पर अगर ओबीसी चुनाव लड़ते हैं तो जैसा कि बिहार में हमने देखा कि आरजेडी को यानी कि महागठबंधन को सत्ता से दूर रखने के लिए ओबीसी ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई, 5 सीटों पर जीत हासिल की, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अगर दक्षिण बंगाल की 85 सीटें ऐसी है जहां पर अल्पसंख्यक वोटर ज्यादा है और वहां पर अगर ओबीसी सेंधमारी करते हैं तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि टीएमसी को झटका लग सकता है। इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, देखिए ओएसी अभी जस्ट वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री हुआ है, अभी तक उसका नॉन स्टार्टर है, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको 99% लोग यहाँ पे जानते भी नहीं है। ओएसी का जो पॉलिटिक्स बिहार में भी तो ऐसा ही था, बिहार में भी तो सर ऐसा ही था, हैदराबाद नहीं बिहार में नहीं, बिहार में पहले भी ओएसी इलेक्शन जीता है, पहले भी इलेक्शन फाइट किया है, जीता नहीं है बट फाइट किया है, लास्ट टाइम भी ओएसी फाइट किया था, अभी तक कोई ओएसी का पार्टी यहाँ पे कोई इलेक्शन फाइट नहीं किया है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल की जो आवाम है वो थोड़ा अलग है हैदराबाद या बिहार से, क्योंकि वहाँ पे बिहार में भी जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है ओएसी तो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, गांव में कोई उसका लैंग्वेज समझता ही नहीं है। 95% मुस्लिम जो है बंगाल में वो बंगाली मुस्लिम है, 5% हिंदी और उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम है, ओएसी को कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा वहाँ पे। उसका कोलकाता का कोई थोड़ा पॉकेट था जहाँ पे वो कनेक्ट कर सकता है, एंटायर वेस्ट बंगाल में सर हिंदी समझ नहीं पाते, फिर भी भाजपा वहाँ पर 18 सीटों पर 2019 लोकसभा चुनाव जीत जाती है। आप कह रहे हैं कि ओबीसी की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे जो लोग हैं वहाँ पर, फिर भी मतलब है कि आप तो उसका मतलब है आप एक्सेप्ट करते हैं कि भाजपा एक हिंदी भाषी पार्टी है, आप ये एक्सेप्ट करते हैं 2019 में जो जीता है, ये मत समझिए कि बीजेपी का सारे लीडर हिंदी भाषी है, बंगाली लीडर्स भी है, वो ओएसी का पास एक आदमी नहीं है जो रूरल बंगाल में जाके बात कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ जी आप समझिए सर, अगर कहीं पर चुनाव लड़ा जाता है पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाता है, जरूरी है कि ओबीसी आकर अपनी ही भाषा में वहाँ पर चुनावी प्रचार करेंगे और वहाँ के लोकल लीडर भी तो होंगे सर। मैडम थोड़ा सा बिहार में हैदराबाद से लाके तो नेताओं को उतार नहीं दिया ना सर, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए। बंगाली मुस्लिम के साथ दूसरे मुस्लिम को मत जोड़िए, बंगाली मुस्लिम वो है जो बांग्लादेश में इस पाकिस्तान में उर्दू भाषी मुस्लिम के अगेंस्ट फाइट किया है, 30 लाख मर गया है उर्दू भाषी के हाथ में, तो बंगाली मुस्लिम और उर्दू भाषी मुस्लिम एक लाइन में चलते नहीं है, ये दूसरे जगह से अलग है। हमारा यहाँ पे जो बंगाली मुस्लिम है वो अपने आप को बंगाली फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे बंगाली प्राइड बहुत ज्यादा है, आप बाहर से आते हैं और जाके बोल देंगे और वो वोट देंगे, ऐसा नहीं चलता यार, 2021 में देख लेना ओएसी को बीजेपी से पैसा मिल रहा है तो वो उपाध्याय साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है उपाध्याय जी। देखिए धर्म एक ऐसी चीज है कि मान लीजिए चाहे वो बंगाल का है, चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो दूसरे किसी कंट्री का है, आप देखेंगे धर्म के नाम पर तो फिर आप ये न कहें कि बंगाल का मुस्लिम अलग है, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम अलग है, अरे वहाँ का हिंदू अलग है, यहाँ का हिंदू नहीं, देखिए वार हो गया बात एक अलग है, लेकिन धर्म के नाम पर आज भी बांग्लादेश के अंदर भी आप देखेंगे वहाँ भी धर्म के नाम पर सपोर्ट आज भी है, चाहे लड़ाई हुआ हो चाहे अलग हुआ हो, और ये पूरे हिंदुस्तान में है, पैसे डाल रहे हो इसी पे बट वो चलेगा नहीं, आप जिसको चलाएंगे वो चलेगा, आप जिसको न चलाएंगे टेलीविजन पर बैठ के ये तय नहीं हो सकता है। आप राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेश जी जल्दी से अपनी बात को रखिए। राजेश जी देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ओबीसी जो है वो बंगाल में बिहार से ज्यादा सक्सेस करेगा,
बिहार से ज्यादा सक्सेस होगा ओबीसी बंगाल में, पहली बात, क्योंकि वहां पर अभी बंगाल में क्या हो रहा है, बहुसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ये पहला राज्य है जहां पर हिंदू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रहार हो रहा है, बांग्लादेश से बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बांग्लादेशी घुसते हैं, रोजगार को लेके आज तक ममता जी ने कुछ नहीं किया, उद्योग को लेके ममता जी ने कुछ नहीं किया, तो पूरा अराजक माहौल बना हुआ है, अराजक माहौल बना हुआ है। और इस तरह का आरोप बीजेपी पहली बार नहीं लगा रही है, इससे पहले भी बीजेपी इस तरह के आरोप लगाती आई है कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि बंगाल में अब तक तकरीबन 120 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इस तरह का आरोप बीजेपी लगाती आई है। इसमें हम बातचीत आगे जारी रखेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक रखना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, क्योंकि आज बात दरअसल भाजपा की हो रही है, पश्चिम बंगाल की हो रही है, और ऐसे में क्योंकि लगातार कोशिशों का दौर जारी है, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को बीजेपी फतह करने के लिए लगातार रणनीति बना रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उसमें कामयाब हो पाएगी। लेकिन ऐसे में खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, राजेश झा ने अभी ब्रेक पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि अराजकता का माहौल है पश्चिम बंगाल में। सिद्धार्थ जी, सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगाती रही है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है, बेरोजगारी चरम पर है, और अभी हाल फिलहाल में ये भी कहा गया कि तकरीबन 120 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं सर। सिद्धार्थ जी, एक ही प्रश्न करना चाहता है, आप आपके जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, उसके आंकड़े को आप मानते कि नहीं? आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़े लिख दिए, आपको दो चीज एक साथ नहीं कर सकता है। या आप बोलिए नरेंद्र मोदी का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े गलत है, या आप कहिए कि जो आपने कहा है वो गलत है, दो चीज एक साथ सही नहीं हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े में ये कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल, अभी दो दिन पहले भी ये आया है कि कोलकाता इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी एंड वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द स्टेट विद लीस्ट क्राइम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े है, ये होम मिनिस्ट्री के आंकड़े है। और आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे अराजकता चल रहा है, आप थोड़ा भाई साहब पूरा उत्तर प्रदेश देखिए, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए, वहां पे क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल तो स्वर्ग है, आपको एक बार एक टूर करके जाइए उत्तर प्रदेश के सारे, उत्तर प्रदेश को प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के बाद हिंदुत्व के ऊपर आपने हमला किया है, आपने हिंदुत्व को चिंतन पर करवाया है, आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल को उत्तर प्रदेश से ज्यादा भयंकर जगह नहीं है, वहां पे एक लड़की को पुरस्कार को लेकर उस पे रात पे पुलिस चक्कर को उठा के देखिए, बीजेपी रूल सिद्धार्थ जी देखिए, इस तरह के आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि हाल ही में आपको बता दूं कि बीजेपी नेता कबीर बोस की कार पर हमला किया गया, टीएमसी नेताओं ने उनके घर को घेर लिया, यह हमला हुआ, इस वजह से इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे। बीजेपी की जो बात है, क्या कहा है दिलीप घोष, हर एक आदमी को निकाल के मारेंगे, दिलीप घोष ने कहा है, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा है पुलिस को मारेंगे, ओपन प्लेटफॉर्म में कहा है पुलिस को मारेंगे, ओपन प्लेटफॉर्म में कहा है सरकार ने लोगों को विधायक को गाज के ऊपर टांग के फांसी दे दी, आप विधायक को निकाल कर फांसी दे रहे हैं, अपने आप को संभालना चाहिए, और आप अपने घर जी आपके राज में आप ये बता दीजिए कि कितनी हत्या की आपने, हिंदू की हत्या कर रही है, बहुसंख्यक की हत्या हो रही है, पहला राज्य है, वेस्ट बंगाल पुलिस जाके उत्तर प्रदेश संभाल देगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश नहीं संभालना आता है तो हमें बोलिए, हम स्टेट फोर्स भेजेंगे आपको उत्तर प्रदेश संभालने के लिए। पता चलेगा
जिस तरह कम्युनिस्ट का सफाया हुआ, आज कम्युनिस्ट की स्थिति देख लीजिए उसी तरह ममता देवी का सफाया होगा। इस बार क्लीन स्वीप करेंगे, 200 से ज्यादा सीट दी गई है बीजेपी। आप भ्रम में मत रहिए सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी उत्तर प्रदेश को सर छोड़ दीजिए ना सर, अभी बात पश्चिम बंगाल की करिए ना सर। सिद्धार्थ जी पश्चिम बंगाल की सर बात करिए, बात टीएमसी की करिए सर। टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी ने अभी बीजेपी का दामन थाम लिया। शुभेंदु अधिकारी अभी मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए सर। ऐसे नहीं, एक एक नहीं नहीं ऐसे नहीं किया है। सिद्धार्थ जी सर सवाल इस बात को लेकर, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऐसा है, आप कह रहे हैं और तमाम राज्यों में ऐसा है, उनको छोड़ दीजिए सर, बात पश्चिम बंगाल की फिलहाल करिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। क्योंकि सुन लीजिए ऐसे नहीं भेजेंगे उत्तर प्रदेश सर। सिद्धार्थ जी टीएमसी इतनी मजबूत है, अगर ममता बनर्जी का जो गढ़ है वो नहीं हिलने वाला, आपको लगता है बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी? ओवैसी कुछ नहीं कर पाएगी, हमारी एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है, तो ये जो नेता हैं आपके क्यों छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं सर? कहाँ छोड़ रहे हैं आप? मिहिर गोस्वामी ने छोड़ा। आपके जो बिमल गुरुंग था ना, दार्जिलिंग का बिमल गुरुंग, आपके एनडीए का पार्टनर था, 2 महीने पहले छोड़ गया है। आप देखिए आपके कितने लीडर छोड़ा है सर। आप मुझे बताइए ना, मिहिर गोस्वामी ने छोड़ा या नहीं छोड़ा सर? मिहिर गोस्वामी ने छोड़ा या नहीं छोड़ा? शुभेंदु अधिकारी ने छोड़ा या नहीं छोड़ा? कांग्रेस से निकाला सर। शुभेंदु अधिकारी तो आपकी सरकार में मंत्री रहे, मंत्री पद छोड़ते हुए सरकार को छोड़ा, मंत्री पद छोड़ते हुए टीएमसी छोड़ा। टीएमसी के एक का लीडर अभी बीजेपी के पक्ष में है और कब ज्वाइन करेगा? एक सेकंड राजेश, एक सेकंड रुक जाइए सर। नहीं, मंत्री पद जिसने छोड़ा है वो बीजेपी ज्वाइन किया है क्या? वो अपना इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी में भी बहुत सारे लोग छोड़ा है, बीजेपी में नहीं छोड़ा है क्या? आपके बीजेपी में कोई छोड़ा नहीं है क्या? बहुत सारे लोग छोड़ा है, बीजेपी पार्टी से बहुत सारे लोग आया है। कौन आया बता दीजिए ना, नाम बताइए ना, कौन आया? एक साइड का कहानी मत बताइए सर। कौन आया बीजेपी से? आपके एनडीए पार्टनर आ गया है, दार्जिलिंग का बिमल गुरुंग आ गया है सर। आप टीएमसी किसने ज्वाइन की सर? क्लियर करिए, देखिए ऐसे नहीं, इसने छोड़ा उसने छोड़ा नहीं, ऐसे नहीं, आप मुझे बताइए ना, क्लियर करिए, टीएमसी बीजेपी के कौन से नेता ने ज्वाइन कर ली? बीजेपी के आप जाके देखिए कौन से नेता ने ज्वाइन किया है सर, आप बता दीजिए ना, आप बताइए मुझे तो, जाके देखिए सर, आप बताइए ना, मुझे नहीं पता सर, आप मुझे बता दीजिए। कृष्ण मित्र ज्वाइन किया कुछ दिन पहले बीजेपी, बहुत सारे ज्वाइन किया है आपकी लीडर्स ने। अरे नेहा जी, इन बातों को छोड़ दीजिए, इनको नहीं पता है, इनको पूछिए कि कौन सा मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे, इनका रोजगार नहीं है, किसान बोल रही है, कोरोना के लिए कुछ नहीं किया, हिंदू को मार रहे हैं, बहुसंख्यक पे हमला कर रहे हैं, बांग्लादेशी को भगा रहे हैं, ये तमाम इनके साथ खेल हो रहा है, अराजक स्थिति है, लॉ ऑर्डर नहीं है बंगाल में। सुनिए, घर में कुछ नहीं है, दूसरे के तरफ देख रहे, कौन छूटेगा वहाँ पे थोड़ी खरीद के लेके आएंगे, आपके पास कुछ नहीं है जीतने के लिए, तृणमूल से छूटने के बाद पकड़ेंगे। बीजेपी का ग्रैंड प्लान है कि तृणमूल से किसी को कौन किसको निकालेगा उसको हम लेके आएंगे घर में, हमारे घर से जो आरबी उपाध्याय साहब, ठीक है सर, एक मिनट देखिए, ऐसे नहीं, जो होता है आरबी उपाध्याय साहब, आप ये समझते हैं सर, अगर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरण को देखें तो आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि बीजेपी के पास वहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी पाना है तो अगर वो कुछ भी पाती है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल आपको बार बार कहना है कि आपको थोड़ा भी मिलेगा तो वो बहुत है, आपके पास कुछ नहीं है, ये आपका कॉन्सोलेशन प्राइस, ये आप लाग जाके घर में ले जाइए, रूल करेगा तो आप सोचिए भी मत, कथा नहीं हो रही है कि आप बोलते रहेंगे हम सुनते रहेंगे। सिद्धार्थ जी आज नोट करके रख लीजिए, 200 सीट से बीजेपी जीत रही है, ठीक है आप सपना सर, वो तो देखा जाएगा सर। राजेश जी, कहने से नहीं होता है कुछ भी, सब करके दिखाना होता है, अभी टाइम नहीं है, दिया ना दिखा दिया, बिहार में दिखा दिया, हैदराबाद में दिखा दिया है, और अब बंगाल में भी दिखा दिया, सरकार बना के दिखाएंगे राज्य में, सरकार बना के दिखा देंगे प्रदेश में, आपको खरीदना पिया आपके मध्य प्रदेश का सरकार गया, अरे छोड़िए ना, पैसे से बंगाल पे बात करिए, बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। सुन लीजिए सर, आप यूपी में एक बाई इलेक्शन जीत के दिखाइए पहले,
आपके तो सीएम का सीट में हार गए, आपका सीएम का सीट में हार जाते हैं, आपसे क्या बात करेंगे? आपको पता है यूपी के बारे में नहीं जीत सकते, गोरखपुर में हार गए भाई, जैसे लोग टीएमसी को बर्बाद कर देंगे। तो आपको इतना चिंता क्यों है टीएमसी का? टीएमसी को समझ ठीक है, क्या आपको लगता है सर, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरण को अगर हम देखें तो ये बीजेपी के लिए 200 प्लस जिसका जिक्र अभी अमित शाह कर रहे थे, जिसका जिक्र जेपी नड्डा करते हैं, 200 प्लस का आंकड़ा पार करना ये कितनी बड़ी चुनौती है अभी बीजेपी के लिए? देखिए, जो आप देखेंगे कोई बात, अब यहाँ जो डिबेट हो रही है भी, बंगाल कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है, पूरे भारत का जो एक सिनेरियो आप चेक करेंगे तो देखिए, घुसपैठ आसाम में भी जबरदस्ती, आसाम में लोगों ने जवाब दिया और वहाँ सरकार बीजेपी की बनी। तो देखिए, जहाँ जहाँ घुसपैठ हो रही है और पार्टियाँ उस पर नहीं बोल रही हैं, देखिए टीएमसी का जो घुसपैठिया जो हैं उनके ऊपर कोई क्लियर स्टैंड नहीं है, वो कहते हैं वो यहीं रहेंगे, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। और देखिए, तो फिर रोजगार कहाँ से आएगा? संसाधन उतने ही हैं और जो बहुसंख्यक समाज है उसके जो एसेट्स हैं उनके ऊपर कब्जा हो रहा है, आप देखेंगे जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर ले रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो एक समाज जो बहुसंख्यक होते हुए भी शोषित हो रहा है तो उसके अंदर आक्रोश है और वही आक्रोश 18 सीटों में तब्दील आपको देखा लोकसभा के इलेक्शन में, और वही आक्रोश आपको यहाँ भी दिखेगा। आप कितना भी कह दें, अभी ममता जी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि भी वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं, घुसपैठियों की राजनीति करती हैं, और जो भी हो रहा है घुसपैठ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस पर एक बर्दहस्त आज की जो भी स्टेट की सरकार है, बीटीएमसी की सरकार है, उसके ऊपर जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक उस तरीके से देखिए, हिंदू भी अब मैंने कहा ना कि ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर हो चुका है, और वो ध्रुवीकरण के नाम पर आप ये सोचें कि भाई आप उनको आपको ही वोट करेंगे, वो ये नहीं है। वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि भाई अगर यही स्पीड रही, यही घुसपैठिए रहे और यही मुस्लिमों की संख्या बढ़ती रही तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और देखिए, होता यह है कश्मीर में, आप देख लीजिए, एक विशेष समुदाय, एक विशेष वर्ग वहाँ पर जब बहुतायात में था तो जो अल्पसंख्यक हो गए, जो हिंदू वहाँ पर इतने सालों से जमा हुआ था, उसको कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा। और ये बिल्कुल अच्छी तरह आवाम वहाँ का पश्चिम बंगाल का जानता है उस चीज को कि भाई वहाँ अगर जैसे जैसे घुसपैठियों की संख्या बढ़ेगी और जैसे ही वो बहुतायात, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर हम 2016 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें सर, तो बीजेपी वहां पर बहुत लो कैटेगरी में थी, यानी कि महज 3 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई थी। इससे ज्यादा तो ये कहा जा सकता है वामपंथियों ने जीती थी, कांग्रेस ने भी 44 सीटें जीती थी, 211 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। लेकिन ऐसे में अब 200 प्लस का नारा देना और ये कहना कि हम तो जिस सरकार बनाने जा रहे हैं, भले ही ये कहा जा सकता है कि थोड़े ही ज्यादा सीटों पर, यानी कि पहले से ज्यादा सीटों पर या फिर एक अच्छे खासे आंकड़े को बीजेपी पार कर ले, लेकिन क्या सरकार बनाना एक छोटी मोटी बात है या फिर यूं कहें कि इस वक्त भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है? इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां और रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में बात दरअसल आज हो रही है भाजपा की पश्चिम बंगाल फतेह करने की उस रणनीति की जिसमें अभी से ही काम करना भाजपा ने शुरू कर दिया। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है सिद्धार्थ जी, जिस 200 प्लस का नारा बीजेपी दे रही है या फिर लगातार दौरे पे दौरे हो रहे हैं, क्या टीएमसी से चिंतित है? क्या डर लग रहा है सर? एनर्जाइज करने के लिए है, क्योंकि कैडर को लगेगा कि वो जीत रहा है तो वो कैडर मोबिलाइज होगा। ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, बट वो जो ग्राउंड का रियलिटी है वो सबको मालूम है। ग्राउंड का रियलिटी सबको मालूम है कि थोड़ा पैसे दे के थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर लिया, थोड़ा बीजेपी आईटी सेल लगा के थोड़ा ऐसा दिखा दिया कि हम लोग आ रहे हैं, इससे नहीं होता है। ग्राउंड में जो रियलिटी है अभी भी कि आधा से ज्यादा जगह में अभी तक उसका संगठन नहीं बना है वेस्ट बंगाल में। ऑपोजिशन पार्टी बनना एक चीज है और रूलिंग पार्टी बनना दूसरा चीज है। बीजेपी का इस इलेक्शन में टारगेट है कि सीपीआईएम कांग्रेस को हटा के मेन ऑपोजिशन बने, वो कर सकता है। ये बात सही है कि वो 3 सीट है, उससे उसको ज्यादा मिलेगा, ये बात ठीक है,
मगर आपको अगर लगता है कि वो रूलिंग पार्टी बनेगा, ये तो दूर दूर तक नहीं हो सकता है, ये उसको भी मालूम है। ये सब करते हैं राजेश जी डोमिनेट करने के लिए कैडर। राजेश जी जिस बात का जिक्र अभी सिद्धार्थ जी कर रहे हैं कि संगठन तो अभी तक बना नहीं है, सत्ता तक पहुंचने की आप लोग बात करते हैं। देखिए नेहा जी, सिद्धार्थ जी को मालूम नहीं है ये कैसी बात करते हैं। अगर हमारा संगठन नहीं बना है, मालूम नहीं है आपको? मालूम है, आप लास्ट कब आए थे वेस्ट बंगाल में? मैं तो रोज वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, आपको पता नहीं है? आप थोड़ा सुन लीजिए, दूसरे के बात को सुनने का क्षमता रखिए। सिद्धार्थ जी तो मैं नहीं बोलता हूँ, आपको मालूम नहीं, आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वैसे तो आपकी फैक्ट्री बंद हो रही है 2021 में, थोड़ा शांत हो जाइए। मैं पहले बता दूं आपको, आपके आपके स्टेट लीडर दिलीप घोष लास्ट ईयर इलेक्शन के छह महीने बाद, आप केवल अपनी बात करते हैं, एक बात सुनिए, आप थोड़ा शांत होकर दूसरे को भी सुनिए। भाई साहब अरे भाई आप सुनेंगे नहीं, आपको लग रहा है आप बोलने नहीं देते। नेहा जी पहले इनको चुप कराइए। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी ठीक है, सुन लीजिए ठीक है। मेरे को बताने दीजिए, इन्होंने बोला संगठन नहीं बना है, चलो मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। मेरे को ये बताओ कि यदि संगठन नहीं बना तो हम 42 में से 18 सीट कैसे जीत गए लोकसभा में? आपको मैं बताता हूँ वो क्या हुआ। अभी एक सेकंड रुक जाओ, सब बताना है, सब बताना, पहले आप सुन लो। प्रश्न किया है और सुन लीजिए, और सुन लीजिए सर, सिद्धार्थ जी एक सेकंड सिद्धार्थ जी सर, सुनने की क्षमता भी रखिए सर। आपने कहा, आपने सवाल किया, उसका जवाब सुन लीजिए ना। ऐसे नहीं होता ना कि आप भी बोलते रहे, राजेश जी भी बोलते रहे, आरपी उपाध्याय जी भी बोलते रहे। एक एक करके अपनी बातों को रखिए ताकि जनता में भी बेहतर संदेश जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एक करके रखिए ना सर अपनी बात। राजेश झा जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस बार जिस तरह से बंगाल की जो स्थिति है, अगर आप देखिए तो बहुसंख्यक हत्याएं जो सबसे ज्यादा हुई है पूरे देश में, इस बार बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता बहुसंख्यक के ऊपर जो हमला हुआ है वो क्यों हुआ, ये सोचने की बात है। क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, बड़ी बड़ी। उस बात का जवाब दीजिए सर। राजेश जी इनका कहना है कि बीजेपी सत्ता में पहुंचने की बात करती है, लेकिन कई जगह तो ऐसे भी है जहां पे अभी तक संगठन ही नहीं बना है। अभी बीजेपी की तैयारी 200 प्लस जीतने की नहीं, बल्कि ऑपोजिशन में बैठने की है, ऐसे आरोप लगा रहे सिद्धार्थ जी। नेहा जी इस बार मैं आपको बता दूं, संगठन बना नहीं बना ये बीजेपी की चिंता है। मैं बीजेपी ये बात स्पष्ट कर रही है कि हम 200 सीट से ऊपर लेके आएंगे, ये हमारी चैलेंज है। हमने बिहार में बोला सरकार बनाएंगे, हमने बना दिया। हमने हैदराबाद में, हम बंगाल के अंदर मेरा संगठन पिछले 5 साल से सक्रिय रूप से कर रहा है। हमने इतना काम किया कि लोग वहां पूरा कन्वर्ट होते हुए लोकसभा में हमने बड़ा जनादेश दिया है। इस बार विधानसभा के अंदर आप इस बात को गांट बांध के रख लीजिए। लेकिन सर इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि लेफ्ट के 34 साल के शासन काल में सेंध लगाई थी ममता बनर्जी ने, तो ममता बनर्जी के किले में ध्वस्त, ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करना सर इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है। कि इस बार जनता जागरूक हो गई है, ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त कर दिया, करना है नहीं कर दिया। उन लोगों के अंदर आप पूरे बंगाल में सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए, डिफरेंट सर्वे रिपोर्ट में बोल रही है बीजेपी। सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए सर, जो आपको पता चलेगा कोई भी सर्वे रिपोर्ट ये निश्चित है कि बीजेपी जीत रहे। उपाध्याय साहब आपने सभी की बातें सुनी सर, क्या लगता है आपको कि 34 साल के लेफ्ट के किले को ढहाने वाली ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाना भाजपा के लिए आसान है सर? जिस काम का जिक्र लगातार किया जा रहा है, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है, 200 प्लस जितना आसान है क्या? देखिए हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े रेखे को फारसी क्या, आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन 42 में से 18 सीटें तो लोकसभा की वहां से जीती है ना बीजेपी। अगर उसका कोई संगठन नहीं है, अगर उसकी वहां उपस्थिति नहीं है, तो ये कैसे हो गया? तो ये कह देना, और फिर देखिए जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन जाता है तो फिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी उसके लोकसभा का क्षेत्र है वहाँ संगठन न हो, ये संभव नहीं है। नहीं तो वो लोकसभा का अभी किस तरह से इलेक्शन जीत गया, किस तरह से इलेक्शन लड़ लिया, वो नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि भी वहाँ इतने सालों से मिट्टी आप देखें सर, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है सर। राजस्थान में भी आपने सारी सीटों पर फतह हासिल की लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव तो हार गए ना। नहीं ऐसे ऐसे अगर झारखंड की अगर आप बात कर ले या फिर आप उन तमाम राज्यों की कर ले जहां पर भाजपा ने लोकसभा चुनाव तो जीता,
मैं लेकिन विधानसभा चुनाव हाथ से गया नहीं। देखिए मैं एक एक चीज क्लियर किए देता हूँ है क्या एक्चुअल में। देखिए कुछ स्थितियां और परिस्थितियां भी डिपेंड करती हैं और उससे कोई अछूता नहीं रहता वोटर, कोई प्रदेश अछूता नहीं रहता। आज जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं फेवर में बीजेपी के में जाती हैं। देखिए लेफ्ट का 34 साल का किला ऐसे ही नहीं ढह गया था, परिस्थितियां कहीं ना कहीं अनुकूल हुई थी ममता बनर्जी के और ममता बनर्जी ने चैलेंज उनको एक विकल्प भी दिखा और उन्हें एक उम्मीद थी कि भाई बदलेगा, रोजगार भी आएगा और जो जीवन स्तर है वो भी ऊंचा उठेगा और सारी चीजें अभी कहने के बंगाल तरक्की करेगा। लेकिन देखिए एक एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर नाम का भी शब्द है जो दोनों ने किसी ने यूज नहीं किया। जब आप लगातार सत्ता में रहते हैं तो एक एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर भी डेवलप होता है। तो वो देखिए वो भी फेवर में किसके में जा रहा है, बीजेपी के फेवर में जाता है। यानी ममता जी से जो अपेक्षाएं आशाएं वहां के जनमानस की थी वो पूरी कभी नहीं, कोई भी सरकार आए हर सरकार मतलब कुछ कमियां रही जाती है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के अलावा बीजेपी को एक विकल्प के रूप में देख रही है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।